मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में गांव पिपलेहड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक युवती को गोली मार दी गई, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। खतौली कोतवाली के पिपलेहड़ा गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों के युवक युवती को गोली मारने की सूचना लगी। बता दें कि शनिवार को युवती अंजलि पुत्री सुनील अपने परिवार के साथ काम कर रही थी, तभी युवती को किसी ने फोन करके खेत पर बुलाया, जिसके बाद युवती अपने परिजनों को खेत पर जाने की बात कहते हुए घर से चली गई। तभी युवती के परिजनों को सूचना मिली कि अंजलि को गोली मार दी गई है, जिसके बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन खेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही युवती के परिजन खेत पर पहुंचे तो वहां गांव का ही एक युवक संगम पुत्र नरेंद्र भी घायल अवस्था में पड़ा था, उसे भी गोली लगी हुई थी। दोनों लहूलुहान पड़े थे। युवक व युवती को गोली लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सुबह लगभग 10:30 बजे एक सूचना मिली कि पीपलहेड़ा गांव में किसी एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। गहनता से पूछताछ की गई तो उसका नाम संगम पता लगा, जो जाति से एससी है, जाटव है। उसके साथ साथ एक लड़की को भी गोली मारने की सूचना मिली, जिसका नाम अंजलि है। वो भी लगभग 18 वर्ष की उम्र की है। ये तहकीकत की जा रही है कि उनको किस प्रकार किस वजह से गोली लगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है, जैसे कि गांव वाले लोग बता रहे हैं। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किस कारण यहाँ खेत में आया और फिर यहाँ पर किस व्यक्ति ने गोली मारी, इसके बारे में गहनता से छानबीन की जाएगी। अभी कोई बरामदगी नहीं की गई है। ये देखा जा रहा है कि जो परिवारी जन इसमें तहरीर देंगे अथवा जो गांव से गोपनीय जानकारी मिलेगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभी गिरफ्तारी नहीं की गई। उनको SGS ग्लोबल अस्पताल में प्राथमिकता के आधार पर भेज दिया है। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, दोनों अभी आउट ऑफ डेंजर है। उनका थोड़ी देर में ऑपरेट कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि वो दोनों शाम तक सकुशल है। प्रीति प्रीति क्या हुआ बताओ तुम्हारे भाई को? मेरे भैया सुबह 7:30 बजे का घर से गया हुआ था। उसने घर कुछ नहीं बताया और वो तभी से गायब था। हम यहाँ थोड़ी देर बाद रुक का मच गया कि उसके गोली लग गई जंगल में पड़ा। फिर यहाँ से मेरे पापा जी और सब चले गए, तो फिर उसे उठा कर लेके सीधे मेरठ हॉस्पिटल में लेके गए। और किसके लगी गोली? इसके लड़की में, लड़की थी साथ में उसके लगी, अंजलि नाम है इस लड़की का। कब से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? हाँ जी। कब से? 1-1.5 साल होगा जब से चल रहा था, पर बीच में लड़ाई हो गई थी तो उनकी मम्मी आई थी घर कहने, तो फिर बीच में मना हो गई थी। कहाँ रहते हैं वो लोग? लड़की भी इधर ही रहे हैं, अंदर गांव में ही रहती है। कौन लोग हैं वे लोग? कुम्हार है जी। और आप लोग? हम चमार हैं। अच्छा, किसने मारी गोली कुछ पता चला हो? सुभाष के ने मारी, राहुल नाम है डॉक्टर, उसे ही बता रहे हैं। कौन है वो? राहुल डॉक्टर, सुभाष का लड़का। लड़की का क्या लगता है? ताऊ आऊ ऐसे ही है कुछ।